एवरीवन, स्वागत है फिर हमारे यूट्यूब चैनल बीजी ब्लॉग्स एंड ट्रिक्स में। तो गाइस कैसे हैं आप सब, आई होप के अच्छे होंगे। और एक्चुअली बहुत ही दिनों बाद हमारा जो है ब्लॉग हम शूट कर रहे हैं। और एक्चुअली हम आए हुए अभी कतर, जैसा कि आपको बता दें, और हमारा कतर का बहुत ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। और आज जो है बकरीद है और हमारी कंपनी में बकरीद का 3 दिन का छुट्टी है। तो अभी हम बैठ चुके हैं टैक्सी में और हमें हमारे साथ जो हमारे करीबी मित्र, आपको पता ही है कौन हो सकता है, तो साथ में बैठे हम लोग। तो टैक्सी किए हुए चल रहे हैं हम लोग विलाजो मॉल, वहाँ से जाएंगे आगे का प्रोग्राम बनाएंगे। चलिए दिखाते हैं आपको वीडियो को, लास्ट तक बने रहेगा। आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दिखाते हैं आपको। तो गाइस अभी जो है विलाजो मॉल के अंदर एंटर हो चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। जैसा कि हमारे हमने पहले ही ब्लॉग बना चुके हैं विलाजो मॉल पे। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। और बकरीद का जो छुट्टी था बहुत ज़्यादा भीड़ भी है, आप देख सकते हैं पानी के अंदर नाव चल रही है। यहाँ से निकलेंगे और हम लोग जाएंगे कॉर्निश की तरफ, चलते हैं। एक्चुअली ज़्यादा ऊपर की नज़र देख सकते हैं आप, ऊपर लाइटिंग नहीं है, सब आसमान बना हुआ है, ठीक है। देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है आज, और एक्चुअली एंट्री भी नहीं हो रही थी, ओनली फैमिली वालों के लिए एंट्री थी। बहुत दिक्कत से हम लोग अंदर घुसे हुए हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं विलाजो मॉल के बाहर खड़े हुए हैं, और वो जो है खलीफा स्टेडियम है, और ये जो है खलीफा टावर, और सामने आपको दिख रहा है विलाजो मॉल। और ये देख सकते हैं हम हैं साथ में मेहरबान भाई, और एक्चुअली जो है आज ईद की छुट्टी है तो आज चल रहे हैं हम लोग। सामने विलाजो मॉल दिख रहा है और मेहरबान भैया साथ में। अब हम चल रहे हैं मेट्रो स्टेशन, और मेट्रो से अंदर जाते हुए जाएँगे कॉर्निश, चलिए दिखाते हैं आपको। तो गाइस फाइनली हम मेट्रो स्टेशन के अंदर आ चुके हैं, और अभी इस ब्लॉग का करेंगे एंड यहीं पे। एक्चुअली ब्लॉग लंबा ना हो जाए, तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।